तो फिर मिलते हैं सुबह। ये देखो धुआं ही धुआं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 8:15 बजे बैग वगैरह पैक करेंगे, मस्त निकलेंगे आज नांदेड़ के लिए day 2। इतनी भी नहीं है धूप, पर चमक रही है आंखों पे। तो ऐसा था हमारा आज का, और आज दिन की शुरुआत आज की सुबह के बजे है 9:15 और हम निकले हैं हमारी राइड पे। 9:15 बजे निकल चुके हैं, अभी आगे का देखते कैसे कवर हो पाएगा। जितना जल्दी कवर होगा उतना अच्छा है। गुड मॉर्निंग गाइज, टुडे इज द 12th of November एंड आई एम गोइंग टू माई होम टाउन नांदेड़। ये अन्नपूर्णा, यहाँ पे बैठे थे रात को, आपको जो day 1 ब्लॉग में मैंने दिखाया था। तो ऐसा सीन है, औरंगाबाद जाएंगे, औरंगाबाद से जालना जाएंगे, फिर जालना से जिंतूर, परभनी नहीं आएगा, जालना से जिंतूर, औंडा नागनाथ वसमत करके नांदेड़ पहुँच जाएंगे। आज बहुत पेट दुख रहा है मेरा, क्या पता क्या नहीं। यहाँ से औरंगाबाद अभी 15-20 किलोमीटर है। ये अभी अपन आ गए हैं नगर नाका। ये यहाँ है भगवान महावीर दानपुर। अब बहुत धूप लग रही है, बहुत धूप। अपन है अभी औरंगाबाद में, ब्रिज से कल्टिया मार रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ट्रैफिक लगे ना। अगर ट्रैफिक लग गई ऐसे बड़े शहरों में तो जल्दी छुट्टी नहीं है। दोस्त को मिलना था, अभी टाइम के वजह से नहीं मिल पाऊंगा उससे। अभी तक तो 2-3 ब्रिज क्रॉस कर लिया, अभी कितना लंबा है पता नहीं है ये औरंगाबाद क्रॉस करना। अभी सुबह दोस्त के घर से नाश्ता वगैरह करके निकल चुका हूँ, पेट भी थोड़ा थोड़ा हल्का दुख रहा है। ये देखो अभी अपन का डे आज बहुत बढ़िया आने वाला है। सिटी में से एक भी सिग्नल पे रुका नहीं मैं, 10 सेकंड से ज़्यादा तो रुका ही नहीं, कि जब पहुँचता हूँ तब सिग्नल छूट जाता है। आज तो भगवान खुश हो गया मुझ पर, कल बहुत परीक्षा ली है मेरी, नहीं बोले तुझे आज आराम से छोड़ दूँगा, चला जा। अभी अपन निकल चुका है औरंगाबाद शहर से बाहर टुवर्ड्स जालना, नागपुर, अकोला, अमरावती, सीधा हैदराबाद, नांदेड़, जालना, सीधा। बैग एकदम फिक्स बैठ गई है, तो उसने मेरे बहुत मेहनत की है उसके लिए, थैंक्स टू संकेत। और इतने स्पीड में बैग गिर गई तो बहुत होगा, बहुत ही बेकार हो जाएगा, बहुत होगा। अभी मेरा ध्यान नहीं था पेट की तरफ, दुख रहा है कि नहीं, तो एकदम से ऐसा ध्यान गया, अभी जो देखता हूँ पेट दुख रहा है कि नहीं, तभी से एकदम से दुखने लगा। क्या ये कौन सी माया है ये, मुझे अभी ये पता चला। जो दुख रहा है ना, कुछ दुख रहा है, दर्द दे रहा है, सोचने का नहीं उसके बारे में, दूसरे किसी में मन लगाने का मसले का पता ही नहीं चलता कि कुछ दुख रहा है। तो भैया जाने दो भैया। कहाँ कहाँ से ले जा रहा है मुझे गूगल मैप, मेरे भैया तो पूरा सिटी में घुसा दिया मुझे तो। तो कोई भी मास्क नहीं पहन रहा, कोरोना चला गया क्या, कोविड, एक जन भी मास्क पहना मैंने दिखा इधर, एक दो लोग छोड़े तो बाकी किसी ने मास्क पहना है, किसी ने। अरे भाई बेचने वाले तो बचते ही नहीं, क्या हुआ है इधर, परमिशन नहीं दिखा रहे, आप उनको तो छोड़ देंगे, आप उनको सीधा सीधा जा रहा है यहाँ। ऐसे तो निकले भैया इस झमेले से, सिटी से कैसा गया, था तो बाईपास होना चाहिए, सिटी से जाना मतलब अंदर से बहुत कठिन काम है भैया।
दोस्त वगैरह साथ रहते ना राइड में तो और भी मज़ा आ जाता, मतलब बातें करते हुए निकलना एकदम से और वो कहीं पे रुकना। मेरा वैसा ट्रिप हुआ था दोस्तों के साथ तो गोवा का, मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था डेवन में कि हम कैसे गए थे, कैसा फिक्स हुआ हमारा जाने का। अभी बजे 11:47 और मैं हूँ जालना से भी बहुत थोड़ा आगे, 9:30 निकला था तो 2 घंटे में आ गए हमें। बनने का जूस पीना है यार, मिल रहा है नहीं। चालू हुआ है ऐसा रास्ता जिसमें रास्ते खड्डे में है, ऐसा सीन है यहाँ पे। कुछ तो महावंडा का कारनामा, गाड़ी हो गई है। ये देखो ये रास्ते पे ऐसे मेहंदी है या बकरिया, ये तो मेहंदी है। अरे ऐसे आते रहते हैं पूरे रास्ते की, हाईवे में कुछ नहीं है, हाईवे लगता भी तो है क्या ये। इधर ये ऐसे रहती है काली पीवरी टैक्सी, मतलब शेयरिंग में रहती है ये। यहाँ पे बहुत लोग अभी गांव में तो यही चलती है ज़्यादा। अभी थोड़ा सा इधर रुक लेते, ज़रा पूरा अकड़ गया हूँ मैं। तो अभी जिंतुर के पास, थोड़ा सा पीछे है जिंतुर के, और टाइम लगेगा थोड़ा मुझे। पूरा सेटअप रुके यहाँ पे, मिलते हैं। हम आ चुके हैं अभी आधे रास्ते, तो ये औरंगाबाद जालना करके गेवराई हो गई। अभी सीधा सीधा निकल के एकदम चार थाना आएगा, उसके बाद जिंतुर आएगा अभी थोड़ी देर में। जिंतुर के बाद निकलेंगे औंडा नागनाथ, फिर बसमत करके अपने 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 जय श्री गणेश। तो अभी बजे 12:30, तो अभी फटाफट चलते और भी डिस्टेंस कवर करना है। हमने हाफ डिस्टेंस तो कवर कर लिया अभी तक। अभी पुणे में तो बहुत ठंड थी और इधर भी होगी क्योंकि सब जगह पे बारिश बढ़िया हुई है इस बार। ये रोड, ये रास्ता अभी अभी बना है क्या कि तो रहा है, नया ही लग रहा है, क्या हुआ है बन गया है। तो बस सिर्फ ये स्पीड ब्रेकर लगाते हो ना यार, थोड़ा सा उधर बाइट बाइट पट्टी वट्टी मार लिया करो यार, दिखता नहीं है। वो ट्रक पे देखो क्या लिखा है पीछे, सोच कर सोचो साथ क्या जाएंगे, सोच कर सोचो। अच्छा यार सोच कर क्या सोचना है। तो अभी मैं आ चुका हूँ जिंतुर, जिंतुर से निकलेंगे बाहर। दूर छोड़ो यार, पूरा ब्लैक ब्लैक कर दिया। यहाँ मिल गया है बनने का जूस। चीयर्स विद अ हेलमेट। तो भाई अभी हमने यहाँ पे पी दिया गन्ने का जूस केवल 10 रुपए में, 10 रुपए। मस्त हो गया काम, अभी फटाफट डिस्टेंस कवर कर लेते, थोड़ी एनर्जी आ जाती है कुछ ऐसा लिक्विड टाइप जूस वगैरह कुछ ऐसा पीने से। इधर डाल लेते हैं अपन पेट्रोल, गाड़ी है बहुत ही भीड़ है, ऐसे एकदम कोई नहीं होगा वैसे वाले। अपन पेट्रोल पंप में डालेंगे पेट्रोल, बैग सच्ची में बहुत बढ़िया बांध दिए संकेत ने। अपन को लेना है इधर से राइट, पता ही नहीं चला कब गया होंडा। यहाँ से बस निकल रही है, चिपक गया ऑटो यहाँ पे।
क्या पूरा पेट्रोल पंप वाला भी उधर ही चला गया। अब कैसे लोग आए रे, कार्ड है क्या? कार्ड एक हाथ डेढ़ घंटे में अपन पहुंच जाएंगे नांदेड़। तो अभी इस गोप्रो की पहले मैं चेंज कर लेता हूँ बैटरी। तो टोटल एक 40-50 किलोमीटर बाकी है, एक आध घंटे में कवर हो जाएगा अभी वो, फिर हम फाइनली अपने घर, मिशन कंप्लीट हो जाएगा अपना। भाई ये रोड तो एक नंबर है, ये रोड तो पता ही नहीं था मुझे रास्ता। ये आया है मालेगांव, और यहाँ से लेते हैं अपन राइट। तो भाई अभी 2-3 किलोमीटर में हम पहुँच जाएंगे। अरे ये है आसना नदी हमारे इधर की, यहाँ पे गणपति के टाइम में विसर्जन वगैरह होता है। देखो ये कमान दिख रही है आपको, यह है गजानन महाराज मंदिर की कमान। कुछ ही पल बाकी है हमारे डेस्टिनेशन के लिए, कुछ ही पल। यहाँ से हम जाएंगे आगे, हम आपको मिलेंगे अभी सीधा लैपटॉप में घर पे। हेलो गाइस, अभी बजे 4:30 मतलब 4:30, और मैं फ्रेश वगैरह हो चुका हूँ, घर पे आ गया। फिर सबसे बातें वगैरह हुई तो रिकॉर्ड करने में थोड़ा टाइम लग गया। तो यही तक था अपना वीडियो, आपको कैसा लगा बताना। और एज ऑलवेज नए हो सब्सक्राइब करो, रिटर्न जर्नी उसका भी ब्लॉग बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।